हमारे नवाब भाई लड़ाऊ है, जैसे भुजबल साहब लड़े, जैसे अनिल देशमुख जी लड़े, जैसे संजीव राउत लड़े, वैसे हम लोग भी लड़ेंगे। लेकिन भाई माइनॉरिटी के शहर में पिछले हफ्ते भाजपा ने एक मोर्चा निकाला था जहाँ पे आपके पार्टी अजीत पवार, आपके पार्टी के जो लीडर अजीत पवार, तो उनको नीम का पत्ता कड़वा जैसे जो है उन्होंने गंदे गंदे भाषण की घोषणा की थी, तो उसके खिलाफ में तो आज यहाँ पे कहीं भी कुछ ऐसी भाषण की घोषणा वगैरह नहीं दी, तो क्या ये भी आपको भी क्या बीजेपी वगैरह का डर है? जन जागरण यात्रा निकाली है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखो, जन जागरण यात्रा 3 तारीख पुणे से सावित्रीबाई फुले की जयंती से शुरू हुआ। हमारे आदरणीय नेता पवार साहब ने हमें हरी झंडी दिखा के हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। हमें इतना ही कहना है, मोदी साहब से प्रश्न पूछना है कि आप जब सत्ता में आए थे तो आपने बहुत सारी घोषणाएं की थी और ये कहा था कि महंगाई कम करूंगा, लेकिन महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। 400 रुपए का सिलेंडर 1200 हुआ है, और अगर हम लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे तो ये मोदी सरकार इस तरह बेकाबू हो जाएगी, और हो गई है। मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, सबको महंगाई, तो इस धर्म, इस महंगाई का कोई धर्म नहीं है। आपको इतना ही बताना है कि आपकी महंगाई आप कंट्रोल में लाओगे या नहीं, नहीं ला सकते हो तो सत्ता से उतर जाओ, इतना सादा समीकरण है। आपके पार्टी के नेता माइनॉरिटी मिनिस्टर थे नवाब मलिक, वो अब तक के जो है अंदर है, मतलब कस्टडी में है, तो उनको छुड़ाने के लिए पार्टी क्या कर रही है? देखिए, ये जानबूझ के किया हुआ है। नवाब भाई ने आवाज उठाई, शाहरुख खान के बेटे को जबरदस्ती, कोई ड्रग नहीं मिला था, फिर भी 1 महीना जेल में रखा, और नवाब भाई ने उसके ऊपर आवाज उठाई, इनका भंडाफोड़ किया कि इनका जो वानखेड़े था, जो NCB का डायरेक्टर था, वो कितना बदमाश है। इसका भंडाफोड़ करने के बाद नवाब मलिक ने रोज पर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके ये बताया था। अभी देखिए, अनिल देशमुख जी भी जेल में थे, 13 महीने के बाद 100 करोड़ का दावा उनके ऊपर लगाया गया, फिर वो तो 1 करोड़ भी कोर्ट में साबित नहीं हुआ। उसके पहले भुजबल साहब 2.5 साल तक जेल में थे, कोर्ट ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। संजय राउत भी जेल में थे, उनके ऊपर तो कोर्ट ने इनको झाड़ा कि इस तरह से इनको जेल में क्यों डाला है। तो नवाब भाई के ऊपर ऐसा उन्होंने ये किया कि भाई वो दाऊद से कनेक्शन था। अगर दाऊद से कनेक्शन था तो आप साबित कीजिए। जैसे उनको भी 10 महीना हो रहा है ना, लेकिन पार्टी अब तक के जो है, पार्टी देखो कहीं नजर नहीं आ रहा कि पार्टी जो है उनके हित में। पार्टी अपना काम हमेशा करती है। आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि हमारे सबसे वरिष्ठ नेता शरद पवार साहब भी मिलने गए थे, और उन्होंने ये भी कहा था कि इस तरह से आप जोर जबरदस्ती मत करो, लेकिन ये उनको खुशी होती है। लेकिन हमारे नवाब भाई लड़ाऊ है, जैसे भुजबल साहब लड़े, जैसे अनिल देशमुख जी लड़े, जैसे संजीव राउत लड़े, वैसे हम लोग भी लड़ेंगे। लेकिन जितने बार हम लोग कहेंगे कि उनको बाहर डालो, तो वो ज़्यादा डालने का प्रयास करते हैं,
लेकिन मोदी साहब से मुझे कहना है, इंडियन आर्मी आपके पास है, अगर दाऊद जिंदा है पाकिस्तान में किधर है, दाऊद के साथ क्या कनेक्शन है, ओसामा बिन लादेन ने उधर जाके इसको मारा था, तो आप दाऊद को पकड़ के लाइए, पूछिए ना। कहेंगे आप जैसे कि आज आपको जिला अध्यक्ष और भिवंडी शहर में जो है ये रैली निकाली गई महंगाई के खिलाफ। देखिए आज पूरा देश जानता है भाजपा सरकार विकास की कोई बात नहीं करती है और पूरे देश को बेचने का काम कर रही है और जो वोट मांगती है कहीं ना कहीं वो बांटने का काम, जो डिवाइड एंड रूल हिंदू मुस्लिम का बांटने का जो काम कर रही है उनको बांट कर वो वोट मांग रही है हिंदुत्व के नाम पे। लेकिन ये बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। मैं आपको ये बताता चलूँ, आज महंगाई को आप देख लीजिए, गैस के साथ साथ डीजल पेट्रोल का अनाज का हर चीज़ में महंगाई बढ़ गई है। भ्रष्टाचार आप देख लीजिए दुनिया भर का, आज देश को बेचा जा रहा है लेकिन कोई कुछ बोलने वाला नहीं है, जो बोल रहे हैं तो उनके खिलाफ ईडी और बहुत से ऐसे केसेस भर दिए जाते हैं ट्विटर के हमारे कोई बोलता नहीं है। इसी तरीके से बेरोजगार आज नौजवान बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही है, वो आज बेचारे पढ़ लिखे कोई MBA कोई डॉक्टर है आज बेकार घूम रहे हैं और जो 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था वो नौकरी भी नहीं दिए। ये नौजवान बच्चे कहीं ना कहीं भटक रहे हैं, गलत रास्ते पर जा रहे हैं और कहीं ना कहीं वो नशा कर रहे हैं, टेंशन में वो नशा कर रहे हैं क्योंकि वो अपने परिवार का खर्च संभाल नहीं पा रहे। तो ऐसी बहुत सी समस्या है, आज हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का गला घोटा जा रहा है, ऐसे बहुत सी समस्याएं हैं देश को लेकर, देश में जो इन्होंने शुरुआत की है। महाराष्ट्र स्टेट में पूरा दौरा कर रही है और भाजपा के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है एक महिला होके, उसके लिए उनका मैं भिवंडी शहर की राष्ट्रवादी पार्टी की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ और ताई को विश्वास दिलाता हूँ हम आपके साथ में हैं। जिस वक्त जब भी आप चाहें आप आवाज़ दो, हमारे पूरा भिवंडी शहर भाजपा सरकार के खिलाफ पूरा खड़ा रहेगा। और जनता से एक आह्वान करना चाहूँगा कि आने वाले वक्त में अभी भी सवेरा है, यहाँ से माइनॉरिटी के शहर से एक आमदार भाजपा का चुन के जाता है और खासदार भाजपा से चुन के जाते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं आने वाले इलेक्शन में एक सबक सिखाने के लिए उनको खत्म करना पड़ेगा। अशोक भाई, माइनॉरिटी के शहर में पिछले हफ्ते भाजपा ने एक मोर्चा निकाला था जहाँ पे आपके पार्टी अजीत पवार, आपके पार्टी के जो लीडर अजीत पवार, तो उनको नीम का पत्ता कड़वा जैसे जो है उन्होंने गंदे गंदे भाषण की घोषणा की थी, तो उसके खिलाफ में तो आज यहाँ पे कहीं भी कुछ ऐसी भाषण की घोषणा वगैरह नहीं दिखी, तो क्या ये भी आपको भी क्या बीजेपी वगैरह का डर है क्या? नहीं, हमको पहली बात तो ये है हम किसी डरते नहीं है, डरते सिर्फ अल्लाह से, जो होना है वो होएगा जी। और कोई डर और नहीं है। अब वो बदतमीजी की जो है बदतमीज लोग है, हम लोग बदतमीज नहीं बन सकते, सरेआम उनके भाषण थे इसीलिए मैं बोल रहा हूं, सरेआम उन्होंने बदतमीज, हम बदतमीज नहीं बन सकते, वो कुछ भी कर सकते हैं, आज गाली गलौज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हो, और हम डरते डरते नहीं है। और क्या नाम है, वक्त आएगा उसका जवाब भी हम लोग इंशाल्लाह बहुत कड़ा जवाब देंगे।